सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडिया में 5,62,455 लोगों का जो डेटा लीक हुआ है वो कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा डेटा लीक हुआ है कि नहीं। आप भी पता कर सकते हैं, यानी कोई भी इंडिया में जितने भी लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक को वो पता कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक हुआ है कि नहीं। तो इसी के बारे में बात करता हूँ, आप कैसे जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ फरोज रब्बानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि फेसबुक के करीब करीब 87 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ है पूरे दुनिया में। लेकिन हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें इंडिया से मतलब है, क्योंकि हमें तो और लोगों से क्या मतलब, हमें अपना डेटा बचाना है। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका भी जो ये 5.5 लाख करीब करीब लोगों में आप भी शामिल हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, जिससे कि मार्क जुकरबर्ग ने बोला है कि मुझे एक और मौका दीजिए, मैं ये सब चीजों को अपने पॉलिसी को थोड़ा चेंज करके आपके डेटा को लीक होने से बचाना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब आपके ऊपर आप मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, इसमें करीब करीब 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है मार्क जुकरबर्ग को, जो कि अभी घटता ही जा रहा है, जो ग्राफ है नीचे ही आ रहा है, यानी उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सोचिए फेसबुक से कितना कमाई कर रहा था हम लोगों के चलाने से, जो कि आपको तमाम सारे उसमें एड दिखा देते आपके बिहेवियर को पहचान के। जैसे कि अगर आप बाइक के शौकीन है तो आपको उस तरह की एड दिखाई जाती थी, आपको अगर फोन की चाहिए तो आपको फोन की एड दिखाई देती। यानी ये जो डेटा होता था आपके सारे कलेक्ट करके वो उस तरीके का इस्तेमाल करते थे आपके ऊपर कि आपको कौन सा एड दिखाए ताकि उस पर क्लिक हो और वो पैसे कमाए। तो यही इनका धंधा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2013 में अगली एप्लीकेशन आई थी जिसका नाम था दी माई डिजिटल लाइफ ऐप था, जिसमें करीब करीब इंडिया के 355 लोगों ने इंस्टॉल किया था। यह एप्लीकेशन 2013 से 2015 के बीच में थी और इन्हीं 355 लोगों की वजह से इतने सारे डेटा लीक हुए। क्योंकि ये क्या किए थे सब, अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते तो आपके फ्रेंड, उनके फ्रेंड ऐसा करके 5.5 लाख के करीब करीब लोगों का डेटा चुराए थे और ये भेज दिया था कैम्ब्रिज को। तो इसी तरीके से ये काम कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि जितने 355 लोगों के डेटा लीक हुए हैं वो कंफर्म नहीं किया फेसबुक ने, उन्होंने बस ये कहा है कि हम आपके न्यूज फीड में 9 अप्रैल को आपको एक मैसेज भेज देंगे जिनका जिनका डेटा लीक हुआ है, केवल उनको ये मैसेज मिलेगा। तो अगर आप चाहते कि मेरा डेटा लीक हुआ है तो आप 9 अप्रैल को अपना फेसबुक चेक करिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे वो भेज देंगे कि आपका डेटा लीक हुआ है कि नहीं। अगर हुआ रहेगा तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, आप वहां से चाहे तो जिस तरीके से अपना सकते हैं। अब 9 तारीख को आने के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या करना होगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी जिससे मैं आपको बता दे रहा हूँ और बता दिया कि आप ऐसे ही अपने डेटा को पा सकते हैं। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आप 9 तारीख को पता कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी चेक कर सकते हैं कि आप उनका डेटा लीक हुआ है कि नहीं। तो आप शेयर जरूर करिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आ गए हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए एंड गुड बाय।